जिन्हों महापुरुषों ने संत बाबा जसविंदर सिंह जी उन्होंने अनमोल वचन संगत निहाल किया धन्यवादी इन्होंने महापुरुषों ने क्योंकि महापुरुषों ने बहुत लंबा समा कथा कीर्तन कराया दास की बेनती भी प्रवान करी बाबा जी ने सो इन्हों का प्रबंधक प्रधान साहब वालों काका साडा विक्र सिंह जी और सारी प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत बाबा जी का धन्यवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो जिस पास बैठिया सोही है सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी अबर न सूझै दूजी ठाहर हार परे ओ तौ द्वारी लेखा छोड़ अलेखा छूट है हम निर्गुण लेहो उबारी सदबख सिंध सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछै परियो राख लेहो एह बारी नानक दास संत पाछै परियो शरणागत आए हां सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखे लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखे लाज हमारी रखे लाज हमारी रखे लाज हमारी रखे लाज हमारी रखियो लाज हमारी रखियो लाज हमारी रखियो लाज हमारी शरणागत आए ना सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुरु जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए शरणागत आए सतगुर जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखियो लाज हमारी शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखियो लाज हमारी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 मान न माने दा मेरा रख लई मान न माने दा
तक आया सरा तेरा रख ली मान न माने दा रख ली मान न माने दा मेरा रख नहीं मान न माने दा तेरा ही परवासा रख ली मान मेरा रख नहीं मान न माने दा सानू तेरा ही परवासा रख ली मान न माने दा रख ली मान न माने दा सानू तेरा ही परवासा रख नहीं सुधया गै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई लाओ न जाने मेरा परम सम्मान योग युग युग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो आओ गुरु बख्शी फतेह बुलाइए जिथों तक भी आवाज पहुंचती है सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के सतगुरु जी नूं सीह चुका के रसना सफल करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी बख्शिश होई बठिंडा जिले दा नगर दियौन जिथे के समुची नगर दी संगत वल्लों गुरुद्वारा संगत सर साहिब विखे हर साल दी तरह धन धन भाई दान सिंह जी और सचखंड वासी बाबा सुखमंदर सिंह जी देश कौम दी खातर फौज दे विच अपनी ड्यूटी दे दौरान शहीद होए वीर जगदीश सिंह जी उन्हां सारिआं नूं चेते करदिआं होइआं इस वार भी मालक दी किरपा नाल समागम कीता जा रहा है जिस विच रबी वाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश होए जिन्हां दे भोग पै चुके हन। नगर कीर्तन दे विच संगतां ने बड़ी वड्डी गिणती दे विच बड़ी ही श्रद्धा भावना दे नाल हाजरी लवाई और हुण गुरबाणी दी कथा और कीर्तन इतिहास दी विचार सतगुरु जी अपने तो आप करवा रहे हैं। गुरमुख माई भाई जिन्हें भी आए हो सब नूं जी आया नूं गुरु चरणा चरदास साहिब महाराज सब दियां हाजरियां प्रवान करके सबना दियां शुभ भावनावां पूर्ण करन अपने वड्डे वडेरे जिन्हां ने देश कौम दी खातर अपना आप कुरबान कीता है गुरु महाराज की सेवा की उन्हां दा इतिहास याद करते रहना चाहिए गुरमुख क्योंकि हरेक नूं इच्छा हुंदी है कि मेरा भी इत्थे सत्कार होवे मेरा भी दुनिया दे विच ना रह जे पर
जदों पिछोकड़ इतिहास पढ़ते हैं फिर पता लगता है भी नाम किन्ना दा रहिंदा गुरु। वैसे तो महाराज कहिंदे कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। जो भी मालक ने सृष्टि साजी गुरमुख प्यारे सब बदल रहे, दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, जो पैदा होया उसने खत्म भी होना है। वो तो कूड़ का पसारा, कूड़ तो भाव है जिहड़ी चीज बदले गुरमुख, पर इसे संसार दे विच महाराज ने यह भी वचन किए है भी इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास, कि जिहड़ा संसार है यह उस वाहिगुरु परमात्मा ने रचना तो रची पर एक कोठड़ी कह लो कमरा कह लो एहो जा बनाता जिथे सच्चे का ही वास है गुरु। हुण इह दोनों गल्लां ने दोनों नूं पहलां समझ लो, जिहड़ा तां कूड़ नाल मोह पा ले गुरमुख धर्म भुल जे उहदा नां तां इत्थे ना ही रहना ना ही उहनूं किसी ने याद करना। कूड़ की है पहलां दस ही दित्ता, कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। जे हुण इक राजा मन लो वो कवे भी मैं राजा मेरा ही हुक्म चले मेरा राज भाग रवे बाकी मरदे है मरन, फिर उस राजे का की फायदा गुरु। एक घर है, घर आपां बनाउने आ जे सारी दिन रात कमाई करके जिंदगी घर की खातरी लाती, ना तो पुन्नदान किया ना कोई रब का नाम लिया, कल्ले घर नाल मोह सी उन्हूं भी किसी ने याद नहीं करना गुरु। ठीक है राजियां दी भी लोड़ है, घर दी भी लोड़ है, सिउने दी भी लोड़ है, क्यों समय समय से सब चीजा कम आउंदियां। कूड़ दा पसारा रहना इसे संसार च पैना है, पर पातशाह कहिंदे तू इन्हां चीजां दे मोह विच फस के रब नूं ना भुल्ली। सच्चा है परमेश्वर जिन्हों गुरबाणी च लिखता आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, वो परमात्मा है उहदा जप करना गुरमुख। जिहड़े मालक दा जाप करदे है गुरु दे चरणी लग जान उहनां दा तां रहिंदा सत्कार, ते जिहड़ियां चीजां महाराज ने कूड़ आखियां जे उहनां नाल मोह पा के रब भुल गए फिर सत्कार नहीं फिटकारां ही पैंदियां। आखो सतनाम। इतिहास भी आपां सांझा करना है ते गुरबाणी दा एक शब्द जिहड़ा पहलां पढ़िया है सतगुर आयो शरण तुहारी, कि हे वाहिगुरु असी आप जी की शरण विच आए हाँ। जदों गुरबाणी पढ़ते हो ना गुरमुखो जां सुनते हो उदों अपने मनों भी यह आवाज़ निकले भी असी कह रहे हैं, कल्ला पढ़ के नहीं छड़ी दा विचारी दा गुरमुख विचार की है कि सतगुर आयो शरण तुहारी, असी आप जी की शरण विच आए हाँ ते इच्छा की है मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। लो शब्द सुनो नाल नाल आपां विचार करिए महाराज की कहिंदे हन। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी। टोडी राग दे विच गुरु साहब कहिंदे सच्चे पातशाह सी आप जी दी शरण विच आए हाँ। मिले सुख नाम हर शोभा
चिंता लाहे हमारी। हुण ऐसी कृपा कर दिओ, इक तां साडी झोली च नाम दी दात पा दो, सानू सुख मिलन। हरेक चाहुंदा है ना मैनू सुख होवे, ते जे सुख लैणा है ओ गुरु दी शरण विच ही है, होर किते सुख नहीं। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। महाराज सुख भी मिले, नाम मिले, हर कईओ परमेश्वर उहदा भी मिलाप होवे, ते जिहदे कोले नाम है उहदी सोभा भी गुरमुखो होनी ही होनी। चाहे भोरे च बह के जप लो, लुक के जप लो, जिथे नाम जपिया जांदा है ओ जगह दी सोभा, उस शरीर दी सोभा होनी होनी गुरमुख। महाराज कृपा करो, नाम दी दात बख्शो, परमेश्वर दा भी मिलाप होवे ते सोभा भी होवे। रहाओ आवर ना सूजै दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी। बहुत संसार दे विच वेख्या फिर तुर के, हे महाराज होर कोई थां है ही नहीं, इसे करके थक हार के असी आप जी दी शरण विच आए हां। लेखा छोड़ अलेख छूट है, हम निर्गुण ले हो उबारी। हे मेरे मालक साडे कर्म देखण लागे, लेखे जोखे च पै गए, फिर तां भला होना ही नहीं। पता है ना जिंदगी च किन्नियां गलतियां कीतियां, अपने आप नूं सब पता हुंदा गुरु। जे महाराज साडा लेखा देखण लागे फिर तां भला होना मुश्किल है। तुसीं कृपा करो, साडे लेखे दा खेड़ा ही छड्डो। लेखा छोड़ अलेखा छूट है, हुण कृपा ऐसी कर दिओ बिना ही किसे लेखे तों साडा भला करो। हम निर्गुण लेहो उबारी, साडे विच कोई गुण नहीं, असी तां औगुणां दे भरे होए आ। समां भी कलयुग दा भयानक चलदा, पर तुसीं ही बचा सकदे हो, सानू इस कलयुग दीआं हनेरियां चों कढो। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी। हे मेरे मालक तुसीं तां सदा ही बख्शिंद हो, कौडे राक्ष नूं तारिआ, सज्जन ठग नूं तारिआ, आपे ही गए गुरु नानक साहब चल के गुरमुख। वड्डे वड्डे पापी भी तुसी तार दिते, कौरू ठग वर्गे, जिन्हां ने बहुत माया जोड़ी, परजा भुखी त्याई मरदी सी, पर गुरु नानक ने जाके उन्हां नूं भी तारिया गुरमुख। हे महाराज साडे ते भी कृपा करो, असी औगणां दे भरे होए आ, तुसी सदा बख्शण योग हो। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, तुसी सारिआं नूं रिजक ते आसरा भी दिंदे हो। नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। हे महाराज ऐसी कृपा करो, एक तां आ जिहड़ा मनुख जामा सानू मिलिआ, इहदों पहलां भी कई जन्म भोगे, आ वारी है हुण भई प्राप्त मनुख दे होरी आ। गोबिंद मिलन की इह तेरी वरी, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਦੂਰ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
बथेरा परिवार कहिंदा भाई नशा छड्ड दो नुकसान हुंदा रह नहीं सकदे। इसे तरह जिन्हां नूं रब दे नाम नाल मोह पै गया आ नाम दा नशा जिन्हां नूं चढ़ गया वह भी रह नहीं सकदे गुरु। ताही तां भाई मती दास जी वर्गिया ने आर्यां नाल तन चरवाले भाई सती दास जी नूं जिउंदे नहीं रूह च लपेट के छड्ड दित्ता। भाई मनी सिंह नूं कहिंदे जां तां कहिंदे मैं सिख नहीं तेरा बंद बंद कट्टांगे, उह कहिंदे कट्टी चलो रह नहीं सके गुरमुख। दुनियावी रस लगदे आ फिक्के जिन्हां नूं नाम दा नशा चढ़ जे आखो सतना। ते महाराज कहिंदे कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। कहिंदे सेवा वास्ते तां दो ही चंगे है, एक तो साधु संत एक परमात्मा, क्योंकि मुक्ति परमात्मा ने देनी है, मुक्ति मिलती किनू है जेडे नाम जपन। ते नाम हुण थोनू पता फिर साधुआं बिना कौन जपाउंदा गुरमुख। जिथे कोई साधे होए महापुरश बैठे है उत्थे ही नाम जपया जांदा, नहीं तो बहुते थावां ते तां खिमा करिओ धर्म स्थानां ते भी नौकरी ही करदे आ लोग, बस शरदा खत्म हो गई गुरमुख। ते जिथे कोई साधु संत फकीर रब दा प्यारा बैठा है उत्थे ही संगत दा सत्कार है, उत्थे सेवा दी भावना हुंदी है। ते कोई भी कार्य तुसी करना है जे तां उहदे विच है भावना शरदा, फिर तां उस कार्य दे विच सानू खुशी मिलू। ते जे साडी शरदा ही नहीं बद्दा चट्टी भरदे आ फिर वो चो ना तो सुख मिले ना ही शांति मिले। आखो सतना श्री वाहिगुरु। हुण घर दे विच बीबियां भोजन तैयार कर दिया ते गुरमुख प्यारे हो अपने पुत नूं जदों लंगर छकाउंदियां उहनां नूं खुशी हुंदी है मेरा पुत होर मंगे रोटी मैथों। ते वड्डे हो जाने आ कई घरां च नौकर रखे है खाणा तां उह भी बणाउंदे आ पर की कहिंदे हो भी मां दे हाथ वाला स्वाद नहीं हैगा, क्योंकि नौकर कम करदा सिर्फ माया वास्ते, एक नौकरी समझ के मैनू कुछ मिले। ते मां नू चाह हुंदा मेरे पुत नू सत्कार मिले वड्डा होवे, वह प्रेम नाल सेवा करदी। इसे करके तो महाराज ने भी कहता कहिंदे ने नहात फिरयो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो। पुराना समा सी ना जदों कहिंदे सी भी तीर्थां ते इशनान करके भला हो जू, चलो हुंदा भी होएगा क्योंकि समा उदां दा सी, पर हुण नहीं है गुरमुख। हुण तां महाराज कहिंदे उमरां रह गईआं छोटियां, जे कहे भी मैं सारे तीर्थां ते नहाया वां फिर परिवार किवें पालेगा भाई, क्योंकि माया बिना भी नहीं सरदा। जे शरीर हैगा इहनूं तंदरुस्त रखना है सही रखना है, रब ने पेट लाया तो पेट वास्ते खाना भी जरूरी है गुरमुख, तो उहदे वास्ते कमाउणा भी पएगा। ठीक है कई छड्ड जांदे आ, बथेरे ऐसे भी देखे कहिंदे बारह बारह साल हो गए असीं तां कुछ खाधा पीता ही नहीं, कल्ले पानी आसरे जां दाल सब्जी आसरे, पर यह थोड़ी है भी उदां दा बंदा हुण खेतां च कम कर लेगा गुरमुख, सारे नहीं ना कर सकते। आपां नूं गुरु जी ने उहे जिहा मार्ग दस्सिआ जिहनूं बच्चे बुढ़े बीबिया भैणा भी कर सकदियां। आखो सतनाम वाहिगुरु। ताही कहिंदे ने नहात फिरयो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवाए। कहिंदे जे कहें भी कल्ला मैं तीर्थ ते नहा के मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, वो पानी दे इशनान नाल तेरा शरीर तां शांत हो सकदा है पर मन नहीं होना। इसे करके गुरमत विच जिथे जिथे भी सरोवर बने तीर्थ बने उत्थे नाल नाल बाणी भी चलती है। आखो सतनाम वाहिगुरु। क्योंकि जेड़ी मन की मैल है गुरबाणी ना लेनी है गुरु, भरी है मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग, जे नाम ही नहीं जपया फिर तीर्थां ते नहा के भी फायदा नहीं होना। महाराज कहते जान तो भी नहीं रोकया, कहिंदे तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है, देख लिया करो भी उत्थे नाम हैगा रब का, कोई रब की गल करदा है। जिथे रब का नाम नहीं लिया जाता वह तीर्थ किसी काम का नहीं। आखो सतनाम महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नहात फिरयो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो।
बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो वैस बताए। कहिंदे पढ़ी चल ज्ञान देई चल, जे तेरे अंदर संसार दे प्रति प्रेम है नहीं कख भी पल्ले नहीं पैना। बगले वांगू समाधि लाके भी बैठा रह ते जे बिरती अंदरों उल्टा कख पल्ले नहीं पैना। लास्ट विच की कहिंदे है, सच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। ड्यूटी करनी होर गल है, कम करना होर गल है, प्रेम नाल करना वो गल होर है। गुरु तुहाडे सामने है सब कुछ। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार दे भला कर रहे हैं। गुरु थानू पता है 14 जंग गुरु गोबिंद सिंह साहब ने किते। तेना 14 दे 14 जंगां विच एक वारी भी आप किसी ते चढ़ के नहीं गए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। राजनीति दा बहुत वड्डा ग्रंथ लिखिया चाणक ऋषि ने। वो कहिंदे भी जर जोरू ते जमीन इन्हां करके लड़ाइयां हुंदियां। औरत करके जां तां कलेश पऊगा जां जमीन पिछे रौले होणगे ते जां माया पिछे। तीन कारणों तो बिना कहिंदे युद्ध नहीं हो सकता। आरिया समाज दे हिंदू विचारां दे बहुत वड्डे एक प्रचारक होया है लाजपत राय। वो हिंदू धर्म का प्रचार करते होंदे सी। उन्होंने रामायण पढ़ी, गीता भी पढ़ी। आ जिहड़ा रामचंद्र जी महाराज और रावण का युद्ध होया वह भी पढ़िया। कैरो पांडवों बारे पढ़िया इतिहास। वो प्रचार करते होंगे भी की होया तो देखिया भी ये जेडे दोवें युद्ध है एक औरत करके होए। कैरो पांडवों का युद्ध तो होया सी क्योंकि द्रौपदी ने बोल यह जा बोलता सी दुरयोधन नू कहिंदे अन्ने दा अन्ना ही रह गया। वो कहिंदा तू माड़ा बोल मैनू बोलिया मैं तैनू सारी जिंदगी रोण लई मजबूर कर दूँ। उत्थों युद्ध शुरू होया सी। 18 खूनियां खप गईयां गुरमुखो उस वेले दे वड्डे वड्डे योधे ये युद्ध विच मारे गए। ते जे गल करिए रामचंद्र जी और रावण दी गुरमुख इन्हां दा भी युद्ध सरूप नखा करके शुरू होया सी। आ जदों जाने हो ना नासिक शहर है बहुत वड्डा सौणी है फौज दी। उत्थे गुरमुख प्यारे पंचवटी उत्थे ही है जिथे सीता जी रामचंद्र जी ते लक्ष्मण जी रहिंदे हुंदे। उदों आम ही गल सी लड़के लड़कियां अपनी मर्जी नाल व्याह करवाउंदे सी। उहनूं कहिंदे सी स्वयंवर स्वयं वर चुनना आपदी मर्जी नाल। रावण दी भैण सी सरूप नखा सोहणी बड़ी सी नक बड़ा सोहणा सी। ते उह कहिंदी पहला तो राम जी नूं कहिंदी मैं थोड़े नाल शादी करवानी है। राम जी कहिंदे मैं तां व्याह होया। लक्ष्मण नूं कहता भी तेरे नाल व्याह करवाउणा मैं बहुत सोहणी आ। लक्ष्मण ने भी मना किया वह हटी ना गुरमुखों। तो लक्ष्मण ने उहदा नक वढ़ता सी तां ही उस जगह का नाम पिया नासक। आपां नक कह दिंदे आ। उत्थे ही होया सी सब गड़बड़। ते रावण नूं इस गल का गुस्सा लग्या तां इह युद्ध शुरू होया सी। उह कहिंदा इहने मेरी भैण का नक वढ़िया है मैं राम जी की घरवाली वो चुक के लै जाना। आखो सतनाम वाहेगुरू। इत्थों युद्ध शुरू होया। दोवें युद्धां दा कारण है एक औरत। पर लाजपत राय जी पढ़ते पढ़ते किते गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास भी पढ़ बैठे। तो जदों गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन बारे पढ़िया फिर उन्होंने लिखना पिया गुरमुखों। वो कहिंदा मैं राम जी बारे पढ़िया कृष्ण जी बारे पढ़िया हिंदुओं का इतिहास पढ़िया पर जदों गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास पढ़िया फिर पता लग्या भी युद्ध कल्ले औरत करके पैसे करके जायदाद करके नहीं हुंदे
देश कौम की राखी लई भी युद्ध हो सकते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर उन्हें लिखिया कहिंदा जदों सारी दुनिया की सुंदरता एक होई, रब खुश होया अपनी मौज विच, तां उह गुरु गोबिंद सिंह दा रूप धार के संसार च आया। ते आके करम इहो जे कीते, देश कौम ते हो रहे जबर जुल्म नूं रोकण वास्ते अपना सारा सरबंस कुरबान कीता। ते टक्कर किहदे नाल सी? दिल्ली दे बादशाह नाल। उहदे कोले फौजां भी है, माया भी खजाने भरे है, हथियार भी है, समय मुताबक असला भी सीगा। ते इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक फकीर ने गुरमुख, जिन्हां कोले ना बहुते हथियार ना बहुती फौज, पर एक चीज सी पल्ले, उह सी अकाल पुरख की याद। आखो सतनाम। सत संगत जी, युद्ध लड़दे लड़दे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने एरिए च आए। आ जिहड़ा श्री मुक्तसर साहब युद्ध होया ना, ये 14वां अखीरला युद्ध सी गुरु गोबिंद सिंह दा। उदों बाद युद्ध नहीं कीता महाराज ने कोई। ते जिन्हां दी याद चद जुड़े हो, जथेदार बाबा दान सिंह जी महापुरश, ये बराड़ परिवारां विचों होया। आ महिमा सवाई, महिमा सरजा नगर हैगे ना, महिमे सवाई उन्हां दा गुरुद्वारा साहब बने गुरु। कई इतिहासकार कह दिंदे आ भी दान सिंह दाने वाले पिंड तो सी। ये दाने वाला जिहड़ा नगर है ना, ये तां बाद च भाई दान सिंह दे चार सपुत्र सी उन्होंने वसाए नगर गुरमुख। ये दान सिंह बराड़ परिवारां विचों गुरु गोबिंद सिंह साहब की फौज विच भर्ती है, पर उदो केस दाढ़ी नहीं सी रखे, क्योंकि मुक्तसर साहब के युद्ध विच वाहिगुरु चमकौर साहब किन्ने सिंह शहीद हो गए सी ना। फिर जदों इधर कोटकपुरे वल नूं महाराज आए, तो जिहे जे भी फौज मिली उन्हां नूं महाराज ने भर्ती किया गुरमुख। अबलू ते महमे का पोता चढ़त सिंह का भरा सी दान सिंह गुरमुख, इहनू महाराज ने आगू बनाया भी जिन्नी भी थोड़ी बराड़ां दी फौज है इहदी अगवाई तुसी करनी है। ते मुक्तसर साहब का युद्ध होया, युद्ध जित गए जिहड़े रखे सी ना फौज दे विच बंदे, उह कहिंदे सतगुर सानू तनखाहां तां दिओ। महाराज कह दिंदे सी भी अगे चल के देवांगे। मुक्तसर साहब के युद्ध की समाप्ति तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज छत्याने के नेड़े आए, जिथे हुण गुरुद्वारा गुप्तसर साहब बनिया। इत्थे आके जिहड़े बराड़ सी ना गुरमुखो, इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का घोड़ा रोक लिया। हुण प्रकरण समझ लिओ, एक तो वह है भी कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार। एक वो भी है, यो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास। हुण बराड़ परिवारां दे ने सारे घेर के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा घोड़ा, कहिंदे जी सानू तनखाह दिओ। इतिहास है जिथे हुण गुरुद्वारा गुप्तसर साहब बनिया। महाराज कहिंदे अगे बठिंडा आ रहा है, संगत आऊगी, तिल फुल भेटा चढ़ाउणगे, तुहानूं दे देंगे तनखाह। पर ये कहिंदे असीं तां जाण ही नहीं दिंदे, सानू पहलां तनखाह दिओ। सच्चे पातशाह साडी तलब तारो, तलब तो भाव हुंदा तनखाह, भी तुसीं गल कीती सी, तुहानूं इन्नी माया रोज दी दया करांगे, पैसे दिओ साडे। मूहरों घेर के गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहिंदे ने
साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी साड़ी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहिंदी है तारनी कहंदे जदों भी तनखाह का सवाल करदे आ तुसीं ऐ कह दिंदे हो भी अगे जाके देवांगे अगे बठिंडा टप के थोड़ा की पता है असीं आ जट जिमीदार खेतां च कर्म करन वाले ना तां कम छड के आए आ ते जिमीदारां ते कोई भली नहीं करदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरू घोड़ा ही रोक लिया कहंदे जान ही नहीं देना महाराज कहंदे चलो कोई नहीं तनखाहां भी देंगे कुछ होर चाहीदा कहंदे जी हाँ जंगल देश है टिब्बियां दा रेता तपदा है नाले मीह पवा दो मेरे सतगुर ने आकाश वल तीर छड्डिया गुरमुख छोटी जी बदली उठी बहुत ज्यादा मीह पिया गुरमुख जदों मीह पैन लग गया फिर कुछ सिख सी भाई दान सिंह धर्म सिंह मान सिंह ये पंज सत सिखा ने तो गुरु साहब के उत्ते आए ढाल कर ली गुरमुखो भी बारिश तो बचाइए ते जिहड़े तनखाहां मंगण वाले सी ये पासे आसे लुक गए दरख्तां दे ओले जदों मीह हटिया इन्ने नूं एक सेवक खच्चर लद्दी होई मोहरां दी गुरमुखो खुरजियां पा के उत्ते लैके आ गया कहिंदा महाराज मैं दसवंध कढ़दा हुन्ना लभदा फिरदा सी भी किते गुरु साहब मिलन भेटा दे दियां आ लो दसवंध दी माया महाराज सच्चे पातशाह ने धौंसा बजाता कहिंदे आ जाओ भाई जिहड़े कहिंदे सी ना भी तनखाह दिओ लै लो आपू अपनी फिर अठ आने तां घोड़ सवार नूं दित्ते चार आने गुरमुख प्यारे जिहड़े पैदल तुरदे सी उन्हां नूं पंज सौ घोड़ सवार नौ सौ पैदल सी सारिआं नूं माया वंडती गुरमुख ते भाई दान सिंह परे बैठे है गोडियां च सिर रख के ते रोई जांदे आ महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई सारे आपो अपनी तनखाह लै गए दान सिंह जी तुसी भी आ जाओ जदों महाराज ने आवाज मारी उठे तां जरूर आ भी गए कोले पर हथ बन के रोन ही लग गए आखो सतनाम श्री वाहिगुरु रोन लग गए गुरु महाराज कहंदे दानसिया रोंदा क्यों है कहंदा सच्चे पातशाह मैं इन्हां दा आगू मैं इन्हां नूं बहुत कहा सी भी जिद ना करो माया दी की गल है जे महाराज कहंदे आ देंगे तो देंगे पर अज इन्होंने मेरी भी नहीं मनी कहते मैनू दुख है भी है तो मेरे ही बरार भरा है पर माया करके थोनू ही मूहरों रोक लिया पातशाह कहते चल कोई नहीं इन्हों का हक ही बनता सी देनी सी तनखाह तो देती मीह क्या सी ओ पवाता मैनू तो कोई गुस्सा नहीं महाराज कह कहना महाराज थोनू गुस्सा होवे ना होवे मैनू जरूर इन्हों ते गुस्सा महाराज कहंदे चल कोई नहीं आ लै जेड़ी तेरी माया बनती है तू भी लै लै जदों ये गल सच्चे पातशाह ने आखी फिर दान सिंह रोंदा रोंदा कहंदा सच्चे पातशाह मैनू माया नहीं चाहिए जमीन जायदाद
हैगी आ थोड़ी कृपा नाल। माया घरे बथेरी है, दुध पुत भी हैगा, मैनू माया नहीं चाहीदी, मैनू तां सिक्खी दी दात बख्शो। आखो सतनाम। लो सारी संगत बोलियो, कोई बांझा ना रवे, की है उहदे बहाने अपनियों ही सुनी जावे। गुरमुख उहने बेनती कीती सी पातशाह, दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा हुंदा सिख ते गुरु दा जेड़ा रिश्ता, हुंदा सिख ते गुरु दा जेड़ा रिश्ता, ओदे ताई जोड़ मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड मालका। दान सिखी दा कहिंदा सच्चे पातशाह, मैं तां सवेरे ही आसा दी वार च सुनिया सी, कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार। जिहड़ी माया दे गफ्फे मैनू देना चाहुंदे हो, मैनू पता है तां झूठा ही तां ना। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। दुध पुत ते दौलत मेरे प्रीतमा, तिन्ने चीजां ने बथेरियां, हैगा सब कुछ, मैनू माया नहीं चाहीदी, मैनू तां सिक्खी दी दात बख्शो। महाराज इन्ने खुश होए, फिर वर पता की दिता, कहिंदे दानसिया पहला माझे दे सिख बेमुख हो के चले गए सी, सिखी खत्म हो जानी सी, पर महासिंह ने, माई भागो ने, बाकी सिंघां ने आके जिहड़ियां श्री मुक्तसर साहब कुरबानियां कीतियां, वो अपनी टुट्टी गंढ गए दोबारा, वो माझे दी सिखी रख गए। ते अज मैनू ये सी वी मालवे दी सिखी भी जाऊगी, क्योंकि इधर पहला गुरु नानक साहब भी आया, हुण लखी जंगल 2-3 किलोमीटर ही होना अपने तो, इत्थे गुरु नानक साहब भी आए, छेवे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब भी आए। जो चंदू नू लैके गया ना लाहौर, नाल ही लियांदा सी इत्थे गुरु नक च नथ पा। गुरु गोबिंद सिंह साहब भी इत्थे आए ने, ये मालवा तारिया महाराज ने मालो माल कह के, पर छत्तिया ने की होया है। गुप्तसर साहब कहिंदे मैनू ये सी भी मालवे दी सिखी जा रही है, माया दे पुजारी ने लोग, पर दान सिंघा तैं मालवे दी सिखी रख ली। ये तंबाकू भी खांदा हुंदा सी, केस दाढ़ी भी कट्टे होए सी, फिर सतगुर इन्ने खुश होए, कहिंदे एक तां तंबाकू ना खाया कर, कहिंदा जी मेरा तां पेट फुल जांदा, साह हो जांदा। महाराज कहिंदे रोग तैनू छड्ड जू, तुसीं तंबाकू छड्ड दो, मन गए बच। फिर कहिंदे केस दाढ़ी नहीं कटाउणे, कहिंदा जी इन्हां दा की फायदा, दाढ़ी तां रखी हुई सी, केस नहीं सी। महाराज कहिंदे केस गुरु की मोहर है, पहली गल तां साडा सिख नरकां च पैंदा ही नहीं, जे किसे कारण नरकां च पै भी जावे, असी केसां तों पछाण के कढ लांगे वी इह साडा सिख है। कहिंदा जी मेरे दाढ़ी हैगी आ, दाढ़ी फड़ के कढ लिओ, हस के कहिंदा। महाराज ने इह वी कहा सी, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखदे है कि मालवे दे सिख
बोलन तो भी झिझकणगे नहीं। आखो सतना सच्चे सुचे सीधे साधे लोग ते महाराज सच्चे पातशाह पर इन्ने खुश होए कहंदे मंजूर है बचन दानस्यो कहंदे हां जी ना मैं अज तो केस कतल करावा ना ही तंबाकू खावा। फिर आ गए इत्थे लखी जंगल गुरु इत्थों फिर लखी जंगल तो भाई दान सिंह दे घरे गए महाराज आप गुरु अमे सवाई जो जाओ बारले पासे गुरुद्वारा साहब बनिया होया जिथे महाराज पहुंचे सी घरे जाके खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके फिर इन सिखी बख्शी सी। आखो सतना हुण गुप्तसर साहब दी सुन लो जदों तनखाहां वंडियां जिहड़ी माया बच गई महाराज ने उत्थे दबती सी गुरु कुछ वह भी सी इतिहास विच लिखिया कहिंदे उन्हां ने ना पट ली जगह छानणियां नाल मिट्टी छानी गए एक भी मोर नहीं मिली गुरु ते अज दसो उन्हां विचों किसी का नाम याद हैगा गुरमुखो बराड़ तां बड़वा बराड़ी ने परिवार तां कोई याद नहीं करता कोई उन्हां दा नाम नहीं जानता किसी इतिहासकार ने नहीं दस्या अज तक ते जिन्हां ने सिखी सेवकी मंगी थां थां उन्हां दी याद च गुरु घर बन गए। इत्थे भी गुरुद्वारा साहब बनाया महापुरशां ने बाबा सुखमंदर सिंह जी महापुरश करनी वाले जिहड़े आए स्कूल कालजां दी भी सेवा कराई बच्चियां वास्ते विद्याला भाई दान सिंह दे नां ते चलाया लंगर दी मर्यादा है ते आ समागम महापुरशां ने शुरू किए है भावें कि आप भी संसार तो चले गए पर जिहड़ा उन्होंने कार्ज किया वह तो अज भी निरंतर चल रहा है। संगता लंगर छक रही है आप महाराज की बाणी पढ़ सुन रहे हैं आनंद प्राप्त हो रहा है गुरमुख ते आपां नूं भी चाहिए ज्यौंदे ज्यौंदे कोई कार्ज उहे जा करिए जिहदे करके अगे भी संसार का भला हुंदा रहे। आखो सतना सत संगत जी करां की सिफत गुरु दरबार दी करां की सिफत गुरु दरबार दी सिफत गुरु दरबार दी करां की सिफत गुरु दरबार दी करां की सिफत गुरु दरबार दी करां की सिफत गुरु दरबार दी गुरु दरबार संगतां सहाउंदियां प्रेम रंग रतियां शब्द गाउंदियां तुनी सत करतार दी गूंज दिया तुनी सत करतार दी करा की सिफत गुरु करा की सिफत गुरु दरबार दी 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 की सिफता करिए एहो जा कार्ज अपनी जिंदगी च करना है। हुण इतिहास आप जी ने सुन लिया ते मन नूं समझाउणा भी मना किते कल्ली माया मंगरी ना लग्या रही। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कल्ली माया मंगरी ना लग्या रही सिखी सेवकी मंग। फिर इतिहास विच ये भी दस्या है जेडे माया मंगण वाले बराड़ परिवार से इधर पत्तो हीरा निहाल सिंह वाला इधर नू जाके बस गए गुरमुख मोगे बनी ते उसे परिवारां विचों कुलदीप सिंह बराड़ होया जिन्हें श्री हरिमंदर साहब ते अटैक किया सी आगू बना के भेजिया क्योंकि बीज जहे जा बीजांगे ना गुरमुख गुस्सा ना करियो इन्हां गल्लां नू समझियो कई बराड़ परिवार होंगे भी तू सू एकदम बोलिया सानू कोई चा नहीं पर दसना पैना गुरमुखो फिर ही मन समझावे भी मना तय की करना हूँ माया मंगर लगन वाले भी है बराड़ ही सामने अपने वो हरिमंदर साहब ते हमला कर रहे हैं ते इधर भाई दान सिंह दी कुल विचों इन्हां परिवारां चों महापुरश संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले महापुरश होए है गुरु है वह भी बराड़ ही ने सिखी मंगण वाले सिखी की खातर कुरबानियां कर रहे हैं माया मंगण वाले गुरु घर ते चढ़ के आ रहे हैं। आखो सतना ते अज देख लो फिर एक दा सत्कार है ते एक नूं फिटकारां पई जांदियां गुरु एवें तां नहीं लिखिया भी चंगे आईयां बुरे आईयां वाचा धर्म हदूर
करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। चंगे कर लै चाहे माड़े कर्म कर लै, हरेक कर्म का फल महाराज ने तैनू देना है ते वध के देना है। जिवें एक दाना बीजी दा कणक दा एक तो चाली बयाली पंताली दाने बन जाते हैं, गुरु 500 तक भी पहुंचता बूटा जे चंगा हो गया। इसे तरह कर्म है, मालक कहिंदे चंगे कर लो भावे माड़े कर लो, कर्मां दा फल भी वध के मिलना और तैनू ही मिलना है, कोई सिफारिश नहीं चलती। सतसंग जी चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। नाल ही कहता जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जेड़े नाम जपदे है देश कौम की सेवा करते हैं, कर्म तो उन्होंने भी किए हैं पर उन्होंने कर्म का फल मिल गया। जिमें रविदास महाराज जी जुत्तियां गंढदे सी पर नाल भजन शुरू करता, सेवा शुरू करती, उन्हां दा मरे पशु ढोए प्रवान हो गए गुरमुख। कबीर जी महाराज खड्डी बुनदे हुंदे, नाले तुहानूं पता है कबीर जी ने गुरबाणी च लिखिया कहिंदे मेरे पिता गऊआं नूं भी मारदे हुंदे सी पर मैं वो कर्म नहीं किया क्योंकि मुसलमान सी पिछोकड़ इन्हां दा, तो मुसलमान थोनू पता फिर गऊआं तू कित्थे बख्श दे गुरु। पर कहिंदे मैं वो कर्म नहीं किया, मैं रब का नाम जपना शुरू करता ते अज देख लो प्यारे हो खड्डी बुनते होंगे ना ताणी जदों पौंटा साहिब जाने हो वाहिगुरु पटना साहिब, उत्थे कबीर जी का वो ताणी बुनने वाली हथी ते कंघी भी पई है, अज तक संगत नमस्कार कर दी। नामदेव जी महाराज कपड़े ही बनाते, चंदे ठेकने छापे का कम से, ताही लोग शिपा कहिंदे सी भी ये छापदा चंदे ठेकदा, ते उन्हां दा वो कार्ज भी प्रवान हो गया क्योंकि कम दे नाल नाल नाम जपना शुरू करता। एक दिन त्रिलोचन जी मिलन आ गए, आए तो एक दो बारी पहला भी सी, ते नामदेव जी अपना कम ही करी जाया कर। ते त्रिलोचन जी कहिंदे नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत, मित्रता सी। त्रिलोचन मित्र आके कहिंदा नामदेव सारा दिन कम ही करी जांदा रहिंदा, मैं आउना बह के कोई रब दी गल सुना। नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत काहे शिपो होशायल है राम ना लाभ हो चीत। मित्र सी कहिंदे सिंबिया रब दा नां केड़े वेले लैंदा, जदों मैं देखदा कम ही लग्या रहिंदा। ते नामदेव जी ने पता की आख्या, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल। आ है अपना धर्म, बीबियां भी सुन लियो भाई भी सुन लियो। नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। कहिंदे कोई जरूरी नहीं भी वेले बैठ के ही जपना है, हत्था पैरां नाल अपने परिवारक काम भी करी जा, पर जेड़ा चेता है ये परमात्मा नाल जोड़ना है। आखो सतनाम सफल हो जाते हैं कम भी गुरमुख प्यारे। सो एवें नहीं गुरमुखो जदा किसी दियां भी मनाईया जांदियां, बहुत मुश्किलां झल के आ सानू सरदारियां मिलियां आजादियां मिलियां। सो अपना विरसा संभालो गुरमुख प्यारे, मालिक कृपा करे ज्यौंदे मर जाईदा सिखी कमाउणी औखी, 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 ज्यौंदे मर जाईदा सिखी कमाउणी औखी। कवियां ते सड़ना पैंदा, कवियां ते सड़ना पैंदा,
बिच कढ़ना पैंदा देगा बिच कढ़ना पैंदा बिच कढ़ना पैंदा देगा बिच कढ़ना पैंदा देगा बिच कढ़ना पैंदा देगा बिच कढ़ना पैंदा तन नू चरवाउणा पैंदा तन नू चरवाउणा पैंदा बहुत औखा झल के गुरमुखो सानू मालक ने सिखी दी दात बख्शी है। सो आपां भी अपना विरसा संभालो, अमृत वेले उठना, नितनेम करना, फिर परिवारक संसारक फर्ज भी निभाउणे, दिने कम धंधा करो, रात नूं भी सौण तों पहलां परमात्मा दा भजन करो, सौ भी परिवार बाल बच्चियां नूं दुख सुख कर। ऐसा ना होवे भी रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ये मनुखा जन्म कीमती है। लो भाई दान सिंह ने परिवार समेत गुरु जी तो अमृत छकिया, अपने मालवे की सिखी का मुढ़ उन्हां करके बज गया गुरु, नहीं तो जानी सी सिखी सेवकी। तो सतगुर ऐसे खुश होए फिर कुलई तारतियां, भागी बंदर भाई दान सिंह की भैन व्याही सी गुरु, उथे भी महाराज फिर चल के गए कुलां तर जांदियां। इस करके जे तुहानूं लगदा भी कारोबार नहीं चलदा, साडे कोई आखे नहीं लगदा, बच्चे कहना नहीं मनदे, बच्चों की यादाश्त नहीं रही, कमाई का बथेरा बरकत नहीं पैंदी, तां गुरमुख प्यारियो आपो अपने धर्म मुताबक नाम जपना शुरू कर दिओ। जिहड़ी कला है ना, गुण है, ये परमात्मा ने देने है। ते जिहनूं लगदा भी मेरे च गुण है नहीं, गुण आउण, ओह भी अपने गुरु दे नेड़े हो जाओ, गुरु वाले बन जाओ, सिमरन शुरू कर दिओ, गुण आप ही आ जाणगे। दसो कबीर जी महाराज दा आपां जिक्र कीता, रविदास जी दा जिक्र कीता, महापुरशां दा, महाराज धन्ना जी गऊआं ही चारदे हुंदे, किने सिखाउणा सी, पर सिमरन शुरू करता, धर्म दे नेड़े हो गए, इहो जे अंदरों फिर बचन फुरे, जिहड़े अज तक भी विज्ञानी खोजां ही करी जांदे आ, आखो सतनाम। कली कली नाड़ी बारे भी नामदेव जी महापुरशां ने लिखता बाणी च गुरमुख, उह सिमरन दा करके सी। सो हुण असल विच दुख इस गल दा है वी चढ़दी कला दी अरदास जरूर कराउने आ। कोई मंदिर जांदा, कोई मस्जिद जांदा, चलो जिवें किसे दा धर्म कहिंदा जाण, पर जिहड़ी गल उत्थों पल्ले बन्नणी सी, जिवें आपां नूं महाराज ने कहा ना, नानक नाम चढ़दी कला, वह नाम जप के कोई राजी नहीं, आखो सतनाम। नाम जपण नाल भला होना, गुरमुख प्यारे जिहड़े नाम जपदे रहे उही कुरबानियां करके गए। आओ अज हरेक नूं हुंदा है, मैं जवान रवां, बुढ़ेपा ना आवे, खुशियां माणा, रंग रलियां संसार दे आनंद माणा, पर गुरमुखो मर्जी तां तुहाडी है, की करना है। असी तां गुरु घर वल्लों यही होका देना कि जिहड़ी साडी जिंदगी है ये धर्म दे लेखे लगे, आखो सतनाम। तां ही संसार विच मान तान रहना, जे देश कौम की खातर अपना आप कुरबान भी करना पैजे, संकोच नहीं करीदा। शरीरक तौर ते तां धर्मी भी गए, पापी भी गए, पर पापियां नूं कौन नमस्कार करदा गुरु, जिन्हां ने धर्म कमा लिया
उन्हां अगे अज सिर झुकदा गुरमुख। पर नाम शहीदा नू जिन्ना ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, पर नाम शहीदा नू जिन्ना ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, पर नाम शहीदा नू जिन्ना ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, पर नाम शहीदा नू जिन्ना ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, पर नाम शहीदा नू जिन्ना ने जिंदड़ी धर्म तो वारी, प्रणाम शहीदानू 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 बोलो भाई बीबिया बोलो, प्रणाम शहीदान सारिया माइया बोलो, प्रणाम तिने जग ज्योंदे ने दानी ते भगत सूरमा, तिने जग ज्योंदे ने दानी ते भगत सूरमा, जग ज्योंदे ने दानी ते भगत सूरमा, तिने जग ज्योंदे ने दानी ते भगत सूरमा, तिने जग ज्योंदे भगत सूरमा, तिने जग ज्योंदे ने दानी ते भगत सूरमा। संसार दे विच जां दानी रहिंदे आ भगत रहिंदे आ जां सूरमे गुरमुख। आओ जिथे भाई दान सिंह जी दा आपां इतिहास सांझा कीता, मैं आप जी दे नाल शहीदी छाका सांझा करन लगा किस तरह का जीवन चाहीदा है। गुरु के सिखां नूं कोई चाह नहीं सी वी असीं लड़ीए, पर हालात इह जे सी जेड़े साढ़े सिरां ते आगू बहिंदे सी ना, वह धक्का करदे सी आखो सतनाम। जिवें हुण हो रहा है गुरमुख समें दीआं सरकारां कायदा कानून ही इहो जिहा बना रही है जिहदे विच आम जनता नूं मार पै रही है बहुत। गुरमुख तां ही धरने लग रहे हैं, किन्ने साडे बजुर्ग किन्ने वीर शहीदियां पा रहे हैं। गुरमुख किसी का जी करता घर बार कम धंधा छड़ के जान, ये लोड़ पै जाती। इस तरह जदों का जिक्र करन लगा अमृतसर जिले के एक पिंड पैंदा सी पूला गुरमुख, हुण वह तरन तारण साहब जिले च पैंदा, क्यों जिले बन गए बाद च, पहला अमृतसर विच पैंदा सी हुण तरन तारण साहब दे विच पैंदा पूला पिंड। इत्थे सरदार जोध सिंह जी जेड़े गुरु घर के श्रद्धालु बहुत श्रद्धा प्यार रखण वाले, इन्हां दे घर विच सपुत्र पैदा होया 1716 ईस्वी नूं, जिहदा नाम इस परिवार ने तारू रखिया। गुरु एक धी पैदा होई उहदा नाम तारो रखता, वी भरा दा नां तारू, इह साडी बीबी तारो। तां उस वेले परिवार गुरु घर नाल जुड़िया होया सी, जदों बच्चे बड़े होए परिवार ने अमृत छकिया गुरमुख, तारू तारू सिंह सजिया गुरमुख। पर माता पिता ने सिखिया गुरु घर दी दित्ती, गुरबाणी भी पढ़ते है, जिहो जी घर दे विच श्रद्धा सी उहदे मुताबक गुरमुख प्यारे आए गया नूं जल पानी छकाउणा खूही हुण भी हैगी आ। उत्थे भाई तारू सिंह दी जाच गुरद्वारा साहब बणे ते लोड़वंदां नूं लंगर भी छकाउंदे, आखो सतनाम। तां उस वेले गुरमुख प्यारे बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी होई,
हालात ऐसे बन गए सी, लाहौर का गवर्नर लाता जकरिया खान गुरु, वो कहिंदा भी मैं सिख नहीं छड़ने किते, इथों तक हुक्म करता भी जेड़ा सिख का सिर वढ़ के लियाऊ ना मेरे कोले, मैं इनू इनाम दूँ, किसी नू छोटी मोटी नौकरी दे देनी, किसी नू टका दे देना, किसी नू मुर्गई दे देना। आ हालात सी सिखां नू खत्म करन वास्ते लोग की करदे ना, जे कोई सिंह मिल जांदा उहनू फड़ के सिर वढ़ के लै जांदे उहदा, ते जां घरां दे विच्चों बीबियां दे गल वढ़ के केस खोल के लै जांदे वी इह सिखां दा मुंडा सी, असीं सिर वढ़ के लियांदा, आखो सतनाम। तां उस वेले गुरमुख प्यारिओ सिखां दे सिरां दा मुल पैंदा सी, ते जिहड़े सिंह सी कुछ कदे कदे जंग युद्ध करदे लड़ाइयां करदे, ते कुछ ओह सी जिहड़े जंगलां दे विच जा छुपे गुरमुख, क्योंकि कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए। तां भाई तारू सिंह ने की कीता है, जिहड़े सिंह गुरमुख प्यारे ओह जंगलां च सीगे लुके छिपे, उहनां नूं जा जा के लंगर छकाउणा, ते कईआं नूं पता सी वी भाई तारू सिंह दे घरे लंगर चलदा है, ओह घरे आके भी लंगर छक जांदे, आखो सतनाम। जिथे लंगर दी सेवा सी उथे परोपकार भी सीगा। लाहौर दा गवर्नर बनिया जकरिया खान, ते जिहड़ी पट्टी है इहनूं नौ लखी पट्टी कहा जांदा सी, तां गुरमुख प्यारे इथों दा इक फौजदार सी मिर्जा खान, वह पट्टी का हाकम आगू बन गया, ते पट्टी दे विच ही एक मुसलमान सी रहीम बख्श माछी, वह मुसलमान सी दरिया दे विचों मच्छियां फड़ के लियाया करे, उन्हां नू वेच के अपना गुजारा करदा हुंदा, आखो सतनाम। ताही उन्हों माछी कहिंदे सी, नाम सी रहीम बख्श, इको दी धी सी उहदा नां सी सलमा गुरमुख। एक दिन किते की होया, रहीम बख्श माछी अपनी धी नू नाल लैके मच्छियां फड़न गया, ते जदों दुकान ते बेचण लगा, वो पट्टी दा फौजदार मिर्जा खान वो आया मच्छियां लैण, ते निगाह पै गई रहीम बख्श दी धी ते गुरमुख। वो जवान लड़की ते रहीम बख्श नूं कहिंदा, तेरी कुड़ी बहुत सोहणी है, मैनू दे दे, मैं इहदे नाल निकाह करवा लूं। रहीम बख्श गरीब है, इहने जवाब दिता भी फौजदारा मैं अपनी धी दा रिश्ता तेनू नहीं कर सकदा, तेरी किन्नी उम्र, मेरी बच्ची अजे न्याणी है। वह कहिंदा फिर मैं धक्के नाल लै जूंगा। आ हालात सी गुरमुखो, अज जिहड़े माड़ी जी गल ते धरने लाउने आ, अपने हक्कां दी खातर आवाज़ उठाउने आ ना, ये साडे गुरु साहब साडे विच जज्बा भर के गए, आखो सतनाम। कोई नहीं सी सुनदा किसे दी, ते मिर्जा खान ने की कीता है, रहीम बख्श दी लड़की नूं बांह तों फड़िया, वो मिन्नतां करे भी मैं नहीं जाणा, पर धक्के नाल ही घोड़े ते बिठा ली, ते जिहड़ा रहीम बख्श इहने पैरी पग धरी, कहिंदा मेरी धी ते जुल्म ना करो, पर वो मन्ने ही ना गुरमुख। मिर्जा खान ने रहीम बख्श नूं भी कुटिया, धर के ना धौण ते गोडा, कहिंदा कर ला जिहड़ा कुछ मेरा करना, मैं तेरी धी नूं लैके ही जाणा, आखो सतनाम। हुण गृहस्थी बैठे हो, गरीब तो गरीब भी किवें बेइज्जती जरे गुरमुख, इदां करदे सी धक्का। वो लड़की नूं लै गया चुक के, ते इधरों फिर रहीम बख्श ने पिंड वालिआं मूहरे बेनतियां कीतियां, कहिंदा कोई तां मेरी मदद करो, गरीब हां तां की होया, अज मेरे नाल धक्का होया है, कल नूं थोड़े नाल भी हो सकदा, तुसीं मेरी मदद करो। पर हाकम तो डरदा कोई भी अगे ना होया, आखो सतनाम।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਲੋ, ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ, ਜਲ ਮਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਮਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਮਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਕੀ 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 ਤਲਵਾਰ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਮਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਬਚਾਓ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂ। ਚੰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਘੁੰਗਣੂਆਂ ਦੀ ਛਟਕਾਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਬਲਚੀ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨੱਚਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਛੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਸੁਣੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੋੜਵਾ ਦਿਓ ਖਾਨ ਜੀ, ਆ
मेरी ती मड़वा दियो खान जी छोटे आलटे का दरबार ओ मां पट्टी दा है चौधरी पट्टी दा है चौधरी ओथी मेरा है कारवार ओथी मेरा है कारवार मिन्ता कीतियां कहिंदा मेरी मदद करो मेरी धी वापस करवा दो। जदों ये गल रहीम बख्श ने कही किसी ने नहीं सुनी गरीब दी। गुरु जकरिया खान कहिंदा ये बुजुर्ग का मैनू दिमाग हल्या लगता है इत्थे तां गाउण वजाउण शुरू हो रहा है प्याले भर भर शराब दे असी पीने आ नचण वाली शुरू हो गई असी तेरी की मदद करिए कहिंदा ते नाले मिर्जा खां वो मेरा बंदा है तेरे करके मैं उनू कुछ कहां कहिंदा गल पै गया सिपाहियां नू कहिंदा इनू कुट मार के कढो बाहर इहदी शकल मोमना वर्गी है जे मुसलमान ना हुंदा मैं इनू इत्थे ही मरवा देना सी रंग च भंग पाउंदा आके के आ हालात सी। बीबिया भैणा खास करके इस गल नू समझियो कोई नहीं सी सुनदा गुरमुख कईयां नूं तां अपने घर रख दे गुलामां वांगू ते जां फिर गजनी च मंडी लगदी हुंदी आ जिवें स्कूटर मोटरसाइकिल पशु बिकदे है ना ऐदां माफी दिओ हालात ये सी नगन कर करके नमैश लाउंदे सी वी किहड़ी पसंद आ लै जो खरीद के गुरमुख आ हालात सी। हिंदुस्तान ज़्यादातर गुलाम रहा सी रहीम बख्श ने जाके मिन्नतां कीतियां जकरिया खान मेरी मदद कर वो कहिंदा इहनू धक्के मार के बाहर कढ़ो पहरेदार की भी खबर लो भी उन्हें रोकिया क्यों नहीं अंदर क्यों आन दिता है कुटिया भी चक के गुरमुख प्यारियो जकरिया खान की महफल चो बाहर सिटता एक तो धी का दुख एक इधरों पैदल तुर के गया सी भुखा भाणा बुजुर्ग रोंदा फिरदा हालात यह जे बन गए कोई बार च भी ना खड़न देवे आखो सतना लाहौर तो चलदा चलदा गुरमुख प्यारियो जदों पट्टी वाल नूं आ रहा है ना पूले पिंड आके गुरमुख प्यारियो रात पैगी ते उत्थे भी कईयां दियां मिन्नतां कीतियां कहिंदा मेरी कोई रात कटा दो ढही जी पग बजुर्ग शरीर बटरूप चेहरा देख के कोई घरे ना बाड़े गुरु ते उस वेले रब नूं भी फिरे ने उलंभे दित्ते भी हे परमात्मा धरती ओ ही व्याड़ दे दे मैं बिच ही डिग के मर जा कोई खूह खाता ही मिल जाए मैं इदू तां मरिया ही चंगा कहिंदा रोंदा फिरदा है। असल विच ना गुरमुखो जिहनूं दुख हुंदा पता उसे नूं ही हुंदा आखो सतनाम वाह कहिंदे है ना बेदर्दां नूं की इह तां लगियां वाले जाणदे जिन्हां दे धीआं होण उहनां नूं पता हुंदा धीआं दे की दुख ने जिन्हां दे धी है नहीं उहनां ने किसे दी बणी नूं की जानना गुरमुख कहिंदा कोई खूह खाता ही मिल जाए मैं डिग के ही मर जा इन्ने नूं कोई मिलिया कहिंदा मिया की गल दर दर कदे किसे कोले मूहरे बहना कदे किसे कोले मूहरे कहिंदा मैं चाहुंदा भी मेरी कोई रात कटा दे तो पिंड दा कोई बंदा कहिंदा होर नहीं किसे ने रात कटाउणी इत्थे गुरु का सिख भाई तारू सिंह है तुसी उहदे घरे चले जाओ आखो सतनाम वो राही छड़ गया गुरमुख तारू सिंह दे घरे छड़ गया रहीम बख्श नूं लंगर चलदा सी लंगर छकिया सेवादार ने मंजा डाहता गदैला विछाता चादर देती रहीम बख्श पै गया गुरमुख इन्ने नूं भाई तारू सिंह जी नितनेम तो वेले होके जिन्हें राही पांधी आए सी सारियां नूं मिलदे हुंदे रोज दा नेम सी अज भी पता लग्या भी कोई बजुर्ग आके पिया ता सा संगत जी भाई तारू सिंह उहदे कोल आ गए कहिंदे बजुर्गो छक लिया लंगर पानी रहीम बख्श कहिंदा हां जी
ठीक ठाक हो तुसी, कोई तकलीफ तां नहीं? जदों इन्नी गल भाई तारू सिंह ने कही ना, रहीम बख्श ने लंबा होंका लिया गुरु ते रो पिया। तारू सिंह तां उत्थे ही पलंग ते बह गए, कहिंदे बजुर्गो असियां गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह, इत्थे चलदी है लंगर दी सेवा, ते साडे कोले आके जदों कोई रोंदा है असी उन्हूं दुखी नहीं देख सकते, दुख दस की है। तारू सिंह ने कहा रहीम खानू, केड़ी गल्लों तू होया उदास मिया, क्योंकि मुसलमान से, कहने केड़ी गल्लों उदास है, किधरों आया है ते दस केड़े पिंड जाना, तेरी किथे रहश है खास मिया, किथे रहश है, किधरों आए हो बुजुर्गो ते किधर नू जाना, मैनू दसो। हों काले आए मंजे ते पैन वेले, लंबा ले आए खिच के सास मिया, हों काले एडा वड्डा लंबा साह लिया, गल की है, गिंदर सिंह नू दस दे दुख तेरा, तेरे रोग दी करू तलास मिया। भाई तारू सिंह जी कहंदे बुजुर्गो उठो, मैनू दसो थोनू दुख की है, असी थोड़ी मदद करांगे। फिर उत्थे रो रो के ना रहीम बख्श ने अपना हाल दसिया, कहंदा पट्टी दा चौधरी मेरी धी नू चुक के लै गया धक्के नाल, सुने भी कल नू प्रोग्राम रखिया निकाह कराऊगा धक्के नाल ही। मैं पिंड वालिया मूहरे भी बेनतियां कीतियां, किसी ने मेरी मदद नहीं कीती, ते मैं लाहौर दरबार भी गया सी, सगो जकरीए खान ने मैनू उतों कुट मार के दरबार चो धक्के दे के बाहर कढ़िया। मैं भुखा तिहाया, धी दे दुख दा सहन करदा होया इत्थे आया सी, रात पै गई, मैं लंगर तां छक लिया पर सिंघा रोंदा तां मेरी अज इज्जत गई, आखो सतनाम। पर हुण मैनू पता लग गया कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी, 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 कोई ना किसे दा बेली दुनिया मतलब दी। भाई तारू सिंह जी कहंदे मियां जी सारे इको जे नहीं हुंदे, असियां गुरु के सिख ते गुरु नानक दा घर किसे नू खाली नहीं मोड़दा, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी होई, गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी होई, गुरु गोबिंद सिंह साढ़े पिता ने सारा सरबंश देश कौम लई शहीद कराया दुनिया दे भले लई, असी उन्हां दे सिखां अमृत छकिया होया। मियां जी मेरा वादा है तेरी लड़की नूं असी तेरे घर जरूर पहुंचावांगे। आ हुंदी है सिखी गुरमुखो, दूजिआं नूं लुट के जां दूजिआं दी निंदा करके आपां वड्डे नहीं हो सकदे। चाहुंदा हर कोई आ मेरा नां रह जाए, पर जिहड़े कुछ परउपकार करदे आ दुनिया दा भला करदे आ, यादां उन्हां दीआं ही रहिंदीआं। भाई तारू सिंह नूं रहीम बख्श माछी कहिंदा है काका तेरी उम्र न्याणी है, क्योंकि 22 साल उम्र सी भाई तारू सिंह दी उस वेले। तैनू पता नहीं, जोश विच आके कहता रहा है
पर वो जालम धक्का बहुत करते हैं। भाई तारू सिंह ने फिर ओखे आखिया सी कहिंदा बजुर्गो डरो ना, कुड़ियां वांग नी चरखे चलाए असी, असी चरखड़ियां ते चढ़े होए आं, ए सोनी दा कड़ा नी खुर जाना, असी उबल दियां देगां विच कड़े होए आं, कंगे वांग चरवा के तन अपना भारत देश दे केशां विच अड़े होए आं, देनी पैंदी है सिरां दी फीस जिथे असी उन्हां स्कूलां विच पढ़े होए आं। रहीम बख्श नूं कहा चिंता ना करो, सौं जाओ। रात लंघी ते रात नूं गुरमुख प्यारे हो कुछ सिंह भाई तारू सिंह दे घर लंगर छकन लई आए। तारू सिंह जी ने उन्हां कोले जिक्र कीता, पंज सिंह रात नूं तुर पे गुरमुख, कहिंदे आपां इस इलाके विच रहिंदे आ ते साढ़े हुंदिआं कोई इदां धक्का होवे जुल्म होवे फिर की फायदा गुरु की सिखी दा, कहिंदा ये तो जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै कान न की जै। सतसंग जी भाई तारू सिंह फिर चढ़ाई करके जांदा आखो सतनाम, बोलियो सारी संगत। पंज सिंह नाल लैके मर जीवड़े पै गए पट्टी दे नवाबी उत्ते शेर, पंज सिंह नाल लैके मर जीवड़े गए पट्टी दे नवाबी उत्ते शेर, पंज सिंह नाल लैके मर जीवड़े पै गए पट्टी दे नवाबी उत्ते शेर, पंज सिंह नाल लैके मर जीवड़े पै गए पट्टी दे नवाबी उत्ते शेर। जीने चक्की सी रहीम खान दी कन्या, जीने चक्की सी रहीम खान दी कन्या, लिया अंदरी सिंघा ने घेरा, जीने चक्की सी रहीम खान दी कन्या, लिया अंदरी सिंघा ने घेरा, कौन फड़ के नवाब दे ईमान नू सिर वड्डता लगाई नहीं देर, कौन फड़ के नवाब दे ईमान नू सिर वड्डता लगाई नहीं देर, कौन फड़ के नवाब दे ईमान नू सिर वड्डता लगाई नहीं देर, कौन फड़ के नवाब दे ईमान नू सिर वड्डता लगाई नहीं देर। दुखी कन्ने आप चाबी कर बाप दे, दुखी कन्ने आप चाती कर बाप दे, होगी उस परमात्मा दी मेर, दुखी कन्ने आप चाती कर बाप दे, होगी उस परमात्मा दी मेर, दुखी कन्ने आप चाती कर बाप दे, होगी उस परमात्मा दी मेर, दुखी कन्ने आप चाती कर बाप दे, होगी उस परमात्मा दी मेर, दुखी कन्ने आप चाती कर बाप दे, होगी उस परमात्मा दी मेर। इस तरह भाई तारू सिंह जी फिर पंज सिंघां नूं लैके गए ते अगे जिहड़ा ये नवाब सी ना मिर्जा खां फौजदार, इहदे भी रिश्तेदार सके संबंधी आए हुए, पार्टी ये भी करदा सी भी अज मैं आ लड़की लियांदी है इहदे नाल निकाह कराऊं, इन्ने नूं जाके सिंह पै गए गुरु के शेर। फिर इस मिर्जा खां नूं धौण तों फड़िया देड़ी ते धर के पहला तो कुटिया मारिया गुरमुख, तो जेड़े आए सी छकने छकाउण वाले फिर पैंदियां च केड़ा खड़दा सब भज गए गुरमुख, कईआं नूं सोधा लाया सिंघां ने, फिर इस मिर्जा खां नूं सिर वढ के मारिया। आखो सतनाम वाहिगुरू। इदां दे सी सिख जेड़ी कन्या सी सलमा रहीम बख्श माछी दी धी, वो फिर रहीम बख्श कोले लियांदी ते उन्हूं घरे पहुंचाया सही सलामत। हुण जदों ये गल बन गई उधर लाहौर दा गवर्नर जकरिया खान कहिंदा है
कहिंदा भी मैनू तां इह खबर मिली सी भी सिंह खत्म हो गए। यह फिर कौन ने जिहड़े मिर्जा खां नूं मार के गए आ रात के किथे रहिंदे ने। फिर सरकार दा टौट जिहनूं हर भगत निरंजनिया कहा जांदा सी कहिंदा तां सी मैं रब दा भगत आ महंत सी इह ते मुखबरी करदा सी। उन्हें जकरिया खान नूं जाके कहता कहिंदा जकरिया खान सिंह तां खत्म हो जाण जे भाई तारू सिंह वर्गे ना होण। कहिंदा उह कहिंदा भी इह कौन है। उन्हें फिर दस्सिया सी कहिंदा पूले पिंड दा रहण वाला है गुरु का सिख है घरे ही लंगर लाई बैठा नाले तां जंगलां विच सिंघां नूं लंगर छका के आउंदा है। आ जिहड़ा पट्टी वाला मिर्जा खान मारिया इह तारू सिंह नहीं मारिया। कहिंदा बस इन्नी गल कहती गुरमुख प्यारिओ चुगली कीती चुगल ने बड़ा कहर कमाया। 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 हांजी तारू सिंह नू फड़न लई लै फौजा आया। 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 देखो चुगली कीती चुगल ने बड़ा कहर कमाया। 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 भाई तारू सिंह नूं फड़न वास्ते फौज आ गई। गुरु पिंड नूं घेरा पा लिया। भाई तारू सिंह जी खेत गए हुए सी ते फौज ने आके मां नूं गिरफ्तार कीता। तारू सिंह दी भैण तारो उहनूं भी फड़ लिया। गुरु दसो तारू सिंह कित्थे है। इह दसणा तां नहीं सी चाहुंदे पर तुहानूं पता है जिथे चंगे बंदे हुंदे आ ना उत्थे उन्हां दा विरोध करन वाले भी विच ही पैदा हो जांदे आ। गुरु किसी ने दसता भी खेत है। खेतों तारू सिंह नूं पता लग्गिया पिंड वाले कहिंदे तू भज जा अपनी जान बचा। पर धन भाई तारू सिंह जी कहिंदे मैं अपनी जान तां बचा लूं बाकी तां सारा पिंड फस जू ना। मैं पिंड दा नुकसान क्यों कराउणा। खेतों तुर पे पिंड नूं रस्ते दे विच फड़ लिया भाई तारू सिंह। वह कोई कवि कहिंदा है ना मेरे स्वासां दा जिथे अंत होना है किसे नहर जां किसे ड्रेन दा पुल मां मेरी ये की मुकाबला सी सत्तर बोक ते कला सरों दा फुल। भाई तारू सिंह नूं फड़ लिया पैरां नूं बेड़ियां हत्थां नूं हत्थ कड़ियां ला के मुश्कां बन्नियां पिछे ते गुरमुख प्यारिओ गिरफ्तार करके पिंड च लिआंदा। ते मां ने पुछिआ कि मेरे पुत दा कसूर की है। मेरा साधा वर्गा पुत है आए गए दी सेवा करदा है। कोई लोड़वंद होवे उहदी मदद कर दिंदे आ। मैं भी लंगर बनाउनी आ मेरी धी लंगर बनाउंदी है की गुनाह है। आ जिहड़ी लंगरां दी सेवा तुसीं करदे हो ना इहदे पिछे कुरबानियां भी बहुत होईआं। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते फौजदार कहिंदा मां कसूर इह है भी तुसीं सिख हो। सरकार तां चाहुंदी आ सिखां नूं खत्म करन। तुसीं उहनां नूं लंगर छकाउंदे हो
ਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਖੋਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੋ ਚੰਗਾਈਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੱਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਭਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਘਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਵੀ ਚਾੜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਭੈਣ ਸੀ ਤਾਰੋ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਬਣੇ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵੇ ਸਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੀਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਜੀ ਜਨ ਬਚਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ
ये लंगर की मर्यादा साढ़े गुरु नानक साहब ने चलाई है तो इदा ही चलू कहते। तो रही गल मिर्जा खान की, जे तुसी जालम धक्का करोगे, ये भी साढ़े गुरु साहब कह के गए है भी जुल्म करना भी पाप है तो ज्यादा सहना भी महापाप होंगे। ये जुल्म तो रोकांगे, चलो गल मुका दें। बहुत लालच भी दिते तेनू, आ दे देंगे आ दे देंगे, तारू सिंह नहीं मने। कहिंदा मेरी तो नित दी अरदास है भी सिखी केसा स्वासा संग निवे। ते जकरिया खान कहिंदा भी ऐ करो इहदे केस कट्टो पहला। ते भाई तारू सिंह कहिंदा है केस गुरु की मोहर है, मेरे केस ना कट्टो, मैं सिर लहा सकदा पर केस नहीं कतल करूंगा। हुण इत्थे एक बेनती करनी चाहुंदा गुरमुखो, समझो केसां दी महानता। कहिंदा मैं केस नहीं कतल कराउणे, सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। हुण वारस तां आपां वी आ, बुरा ना मनायो, कसूर पता कित्थे हो गया, सानू दिखाया ते परोसिया ही उहे जिहा कुछ जा रहा है तां आपां बिगड़े गुरमुख। जे असी अपने बच्चों इतिहास सुनाइए दसीए भी असी किन्ना दे वारिस हाँ। भाई तारू सिंह की कथा, सुबेग सिंह साहबाज सिंह की कथा, जिन्हां ने केस नहीं सी कटवाए गुरमुख, भाई जय सिंह खल कट बारन पिंड पटियाले कोले, जिन्हां ने पुठी खल ता लहा ली, तंबाकू वाली पंड सिर ते नहीं सी चक्की जान बचाउण दे वास्ते। कहिंदा कर लो जो करना है, ते आपां आप ही जा के अपने केस कतल करवा रहे हैं। आखो सतनाम वाहिगुरु। पर समझो देखो जिन्हां दा धर्म कहिंदा है, मुसलमान मुछां कटाउंदे है, आपां नूं की उन्हां दा धर्म कहिंदा है, मुहम्मद साहब गल ना लाउणगे, हिंदू वीर दाढ़ी कटाउंदे है, हो सकदा उन्हां दा धर्म ही होवे, राम जी उदां ही गल ना ला लैण। पर जे आपां उन्हां वल वेख के अपने धर्म की मर्यादा छड़ांगे फिर गल नहीं बननी, क्योंकि जां तां पक्का हिंदू ही होवे रहे उदां वल, जां फिर पक्का मुसलमान ही बन जा उधर हो, ते जां फिर जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा अपना गुरु पक्का सिख बन। आखो सतनाम वाहिगुरु। फिर ना तो केसां दी बेअदबी करनी है, ना गरीब मार करनी है, ना होण देनी है गुरु। भाई तारू सिंह वल देखो, इत्थे किन्ने जवान ने, किन्नियां जानां जा रहीआं गुरमुख प्यारिओ, कोई नहीं पुछदा, पर जिन्हां ने जवानियां धर्म दे लेखे लाईआं है अज उन्हां अगे सिर झुकदा। आखो सतनाम वाहिगुरु। विद्या पढ़ो चंगी गल है, कमाइयां करो, घर बार बनाओ, मेहनत करो चंगी गल है, परिवारां नूं पालो, पर अपना धर्म ना छड़ो। आखो सतनाम वाहिगुरु। धन भाई तारू सिंह जी कहिंदा केस नहीं कतल कराउणे, फिर जकरिया खान ने हुक्म दिता सी, कहिंदा इदा करो, देखदे आए किन्ना क सिक्खी च पक्का रहिंदा, इहदे केस ना कट्टो, इहदी खोपरी लाहो। कहिंदे रंबी दे नाल जदों लगे ना खोपरी लाउण, हुण अपने मनां च झाती मारिओ, दुख तां लगे ही होणा है, इत्थे माड़ा जिहा तुरे जांदिआं नूं कंडा वज जे जदी खड़ जांदे आ गुरमुख। पर धन भाई तारू सिंह जी ऐदां ना पिछे हथ ला के बह गए, ते जालमां ने मत्थे कोल रंबी जदों मारी ना उत्ते सट, मार मार के सट्टा रंबी नाल खोपड़ी लाही, ते भाई तारू सिंह वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप ही करी गए। आखो सतनाम। इको ही गल कही सी, सिर जावे ता जावे पर मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा
फीस तक ना जावे फिर जावे तो जावे मेरा सिखी सजक ना जावे फिर जावे तो जावे मेरा सिखी सजक ना जावे फिर जावे तो जावे मेरा सिखी सजक ना जावे फिर जावे तो जावे सिखी सदक ना जावे सिर जावे ता जावे पर सिखी सदक ना जावे। भाई तारू सिंह दी खोपरी लाही गी जकरिया खान कहंदा हुण तेरा गुरु किथे तैनू कोई बचाऊगा। भाई तारू सिंह कहंदे मैनू बाजां वाले ते भरोसा है जकरिया खान मैं तैनू जुत्ती मूहरे ला के ना नरकां च छड के जाऊं। आखो सतना ओ सी सिख गुरमुख लंगर भी छकाउंदे भला करदे दुनिया दा ते उहदा फाले मिलिया मेरे मालक ने उहनां दे बचनां दी लज्जा रखी। पता तुहानूं भाई तारू सिंह दी खोपड़ी ला के पिछे खाई सी उत्थे सिटता गुरमुख भी आपे गिर जां शेर बघियाड़ चीते खा जाणगे ढंडोरा पिटता भी कोई भी इहदे नेड़े ना लगे। भाई तारू सिंह खोपड़ी लहन दे बावजूद भी 22 दिन जिउंदे रहे स्वास्थ चलते रहे फिर भी गुरमुखो वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करना गुरबाणियों ही पढ़ी जानी तां कहिंदे ने इन्हां 22 दिनां दे विच दूजे पासे की हुंदा जकरिया खान नूं पेशाब दा बन पै गया। बड़े वैद हकीम बुलाए बन खुले ही ना गुरु दवाई बूटी बहुत लई ठीक ना होया फिर किसे तो पुछ दस भी कीती किसे ने कहता भी तू गुरु के सिख नू दुख दिते है ना ये ओदा फल है हुण की करिए। फिर भाई सुबेग सिंह ये सरकारी ठेकेदार हुंदे सी बाद जिन्हां नू चरखड़ी चाढ़िया गया गुरु सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह प्यो पुत ये सुबेग सिंह सरकारी ठेकेदार सी जकरिया खान कहंदा तू भी गुरु का सिख है मैं तारू सिंह दी खोपड़ी लाती कोई सिंगा तो ही पुछ लै मेरा बचा हो जू। फिर ओदे राही जंगलां च छुपे सिंगा नाल गुरमता होया फिर अरदास करके फैसला ये लिया गया सी भी भाई तारू सिंह दी जुत्ती लैके इहदे सिर च मारो ते मरदा की नहीं करदा। जदों जकरिया खान नूं दस्या भी तारू सिंह दी जुत्ती सिर ते लाउण नूं कहा है कहिंदा जान बचा दो जिवें भी बचदी है। फिर वो जुत्ती जदों भाई तारू सिंह दी लै के जकरिया खान दे सिर च मारी ना उहदा बन खुल गया गुरमुख कहिंदा मैनूं आराम आ रहा होर मारो ऐ जुत्तियां मारदे गए ज्यों ज्यों जुत्ती बजदी गई उहदा पेशाब दा बन खुलदा गया ते आखिरकार जुत्ती नाल ही मर गया। आखो सतनाम वाहिगुरु ओ हुक्मरान है देखो जुल्म करन वाला इधर गुरु का सिंह सेवा करन वाला है तारू सिंह दीआं जुत्तियां खांदे दी जकरिए खान दी मौत होई। फिर इधर भाई तारू सिंह ने 22वें दिन जाके गुरमुखो शहादत दित्ती गुरमुख शरीर छड्डिया सचखंड जा बराजे ते बाद विच उत्थे ना एक मस्जिद बनी हुई है वो मस्जिद दे कोले भंगी मिसल दे सरदारा ने भाई तारू सिंह दी याद च गुरुद्वारा बनाया सी गुरुद्वारा शहीद गंज गुरु अब्दुल खान दी उत्थे मस्जिद भी है ते जिथे भाई तारू सिंह नूं सिट्टिया सी उत्थे गुरुद्वारा शहीद गंज बनिया। हुण जवानी धर्म दे लेखे लाती ते अज उन्हां अगे सिर झुकदा आखो सतनाम। पूले पिंड भी पहला अमृतसर जिले च पैंदा सी हुण तरन तारन विच पैंदा गुरु उत्थे भी गुरद्वारा साहब बने खूही हैगी आ जिहदे चों कढ कढ के जल संगतां नूं बरतौंदे हुंदे। सो ओह सी सिख गुरमुख प्यारिओ तां जो उन्हां नूं सिर झुकदा देखो चाहुंदे आपां वी आ वी साडा नां रहि जे
ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਚ ਲਿਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਭੇਸ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਜੱਗ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ੇ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ,
ते बच्चियां नूं बेनती है थानू किने बनारस भेजना सी उदों तां कहिंदे सी स्कूल कॉलेज बन गए कुड़ियां नूं घरों भी ना भेजो ते अज देख लो जिन्हां ने विद्या पढ़ ली उन्हां दी कदर भी पै गई गुरु ज्ञान विद्या जिहड़ी है ना एक ऐसी चीज है असी सारे रौला पाउंदे रहे भी जात पात छड्डो भाई छड्डो पर विद्या जिन्हां ने पढ़ ली उन्हां दी जात पात भी खत्म हो गई लोग देखे है कहिंदे 25-30 लख ला देंगे कुड़ी पढ़ी लिखी चंगे बैंड लए हुण मुंडे नूं बाहर लै जे सानू जात पात दा भी कोई चक्कर फिर इत्थों समझना चाहिए ना कदर पैनी है विद्या दे नाल इस करके भाई जिथे स्कूलों कॉलेजों की विद्या वध तो वध पढ़नी है उत्थे नाल नाल नितनेम भी जरूर करो भजन करो क्योंकि ज़्यादातर जिन्हां ने भजन किया उन्हां दे अंदरों ही गीत संगीत आ दुनिया की कला पैदा हुई आखो सतनाम खास करके भारत है ना जिहड़ा ऋषियां मुनियां का देश है जो भी कुछ इत्थे वेखदे हो किसी ना किसी ऋषि मुनि ने ही वह चीज़ां पैदा कीतियां होईयां ते भजन करन दे नाल जिहड़ा ज्ञान भगतां दे महापुरशां दे हिरदे चों बाहर आया गुरमुख एक तां चीज़ हुंदी ना बाहरों लैके पाउणी एक अंदरों ज्ञान फुटे अज भी जदों पढ़दे हां आनंद मिलदा शांति मिलदी है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सो लो इन्नी की सेवा प्रवान कर लियो सारी ही संगत दा धन्नवाद गुरु रामदास नगरी गुरुद्वारा संगत सर साहिब जिथे धन धन भाई दान सिंह जी गुरमत विद्यालय भी चलता है संजखंड वासी संत बाबा सुखमंदर सिंह जी अते आर्मी दे विच फौज दे विच देश कौम की राखी करते हुए जिन्हां ने शहीदी भाई शहीद जगदीश सिंह जी दियौन पिंड उन्हां दी याद नूं मुख रखदे होया हर साल की तरह महाराज की कृपा नाल समागम उलीके गए सन मौसम भी ठीक ठाक रहा संगत ने भी बहुत सहयोग दिता मालक की कृपा नाल समागम निर्विघ्नता सहित संपूर्ण होने जा रहा है नगर की समुची संगत का गुरद्वारा साहब के सारे ही प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि सांझे काम चलाने ते करने बहुत औखे होंगे आ गुरमुख प्यारे अगे नलके होंगे घर जे चार दिन गुआढ़ी पानी लैन आ जाता ना कई डंडी हुई ला के लुको देंगे भी तो खराब होया पाया पर जिहड़े चरस्ते च लगे होंगे सी वो कोई चला ही होना गुरु जिथे सरबत का भला हो जे कारज है ये चुरस्ते लगे हुए नलके वांगू है घर जे किसी कोई बुलाऊ अगला तो आओ नहीं कहता मैं कि लैन जाना या सांझे कर्म है जेड़े ये तो गुरमुख प्यारे सरबत के भले लिए किए जाते हैं सो जिन्हें जिन्हें ने सहयोग दिता सेवावान निभाइया सारिया का ही बहुत बहुत धन्यवाद पिछले साल भी प्रधान साहब का हुक्म गया सी भी प्रोग्राम ते तुसी कीर्तन की सेवा निभाओ पर उदों प्रोग्राम बुक सी असी आप जी के दर्शन करन नहीं आ सके मैं माफ़ी मंगदा सो ऐतकी भी संगत का हुक्म गया सी अंग्रेज सिंह जी चेयरमैन इन्हां दा फोन गया कहिंदे जी संगत चाहुंदी है तुसी आओ सेवा निभाओ सो महाराज ने तुहाडी साडी लज्जा रखी प्रोग्राम होया सो हुण यही अरदास है सच्चे पातशाह अपनी सारियां दी हाजरी प्रवान करे ऐसे तरह रल मिल करके अगे नूं भी भाई धार्मिक समागम करते रहिए जिदे विच देश कौम दा समुचे संसार दा भला होवे अपनी तां यही अरदास है भाई नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जपी चलो संगत सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।